बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चाइनीज़ राइस बनाना सिखा रही हूँ, जिसको के चिकन फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस भी बोलते हैं। तो आइए इसको मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। एक कप में मेरे पास रेड शिमला मिर्च है, जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। एक कप मेरे पास हाफ कप तकरीबन जो है ना वो येलो शिमला मिर्च है, इसको भी क्यूब में काट लिया है। एक कप ग्रीन शिमला मिर्च है, इसको भी क्यूब्स में काट लिया। ये तीनों कलर जो हैं ये चावलों में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा एक कप मेरे पास चॉप किए हुए आलू हैं, इनको हल्का सा मैंने बॉईल किया हुआ है। एक कप ही मेरे पास मटर है, इनको भी हल्का सा बॉईल किया हुआ है। और तकरीबन आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने बॉईल किया हुआ है। आप 3 से 4 अंडे भी ले सकते हैं, और एक चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालें, नहीं तो इसके अलावा भी इसमें यखनी डलेगी, जिसका अपना एक फ्लेवर होएगा। एक कप मेरे पास ये चिकन की यखनी है। इसके अलावा 2 से 3 चम्मच नमक है, और हाफ टी स्पून के करीब मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है। 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डालेंगे। 3 कप के करीब मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने भिगो के रख लिया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे, जब उसमें बॉईल आ जाए तो चावल डाल देंगे। ये मैंने खुला पानी रखा है, इसको मैं चावल जब हाफ पक जाएंगे तो मैं इसको पानी निकाल के वॉश कर लूँगी। चावल बॉयल हो रहे हैं, और इनको जब हाफ डन हो जाएंगे तो मैं पानी निकाल दूंगी। इसके अलावा अलग से एक पैन में आधा कप तेल डालेंगे, तेल में आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे और मटर डाल देंगे, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। चावल का पानी निकाल दिया है, अब ये जो आलू और मटर फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें मैं चिकन भी डाल दूंगी। चिकन को भी हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें नमक डालेंगे, और चाइनीज़ सॉल्ट और काली मिर्च। इसके बाद इसमें एक चिकन क्यूब डाल देंगे और थोड़ा सा सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून। सब्जियों को फ्राई करने के बाद उनको एक साइड पे करेंगे, ऑयल निकल आएगा, उसी ऑयल में हम ये 3 अंडे फेंट के बना लेंगे। अंडे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे बिल्कुल एंड पे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी डन हो जाती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल एंड पे डालेंगे। इसको डालने के बाद दम पे रखेंगे 5 मिनट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, और बहुत कलरफुल और बहुत ही मज़े की लग रही हैं। अब मैं इनको चावलों के ऊपर डालूँगी। बॉयल चावल जो मैंने किए हैं उनके ऊपर मैं ये सारी वेजिटेबल डाल दूंगी। इस तरह से सारी सब्जियां आप चावलों के ऊपर डाल के इनको 10 मिनट दम पे रख देंगे। दस मिनट दम देने के बाद अब हम इसको खोल के देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से चावल बन चुके हैं, तो आइए इसको डिश में निकाल लेते हैं। मज़ेदार कलरफुल चाइनीज़ राइस तैयार है। ये बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।